अस्सलाम वालेकुम। आज हम आंबी की चटनी बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये हमने 1 किलो आंबी लिए। तो इसकी चटनी हम ऐसी बनाएंगे ताकि आप पीसें और 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं और वो खराब नहीं होगी। तो ये हमने कच्ची आंबी ले ली है, थोड़ी सी ये कुछ नरम है इसमें और कुछ थोड़ी सी हार्ड है, तो हार्ड दोनों तरह की लें। तो ये हम छील लेते हैं और फिर दिखाते हैं इसमें क्या क्या डाल। आम भी सारी हमने छील के और कट करके रख लिया है सारा। तो इसमें एक पीले निकली है नरम और सब वाइट हैं। तो उसके लिए हमने ये मिर्चे लिए हैं, तो 100 ग्राम मिर्चे हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 6 से 7 लहसुन के जवे हैं और 1 टीस्पून हमने सौंफ लिए। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी आएगा। और डालते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तो इसमें 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया सरसों का। तो मिर्चे हम धो लें, तेल गरम हो गया हमारा। तो हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, वाइट जीरा है। आधा टीस्पून हींग पाउडर, 1 प्याज डाल देंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें। और 1 टीस्पून हमने सौंफ ले लिए, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और ये चटनी जो है आप 1 महीने तक रख के खा सकते हैं, फ्रिज में खराब नहीं होगी ना इसका टेस्ट खराब होएगा। अदरक और लहसुन, देखिए प्याज और अदरक हमारे हल्की हल्की नरम हो गई है। मिर्चे डाल देंगे, आमी डाल देंगे इसमें। हम इसमें पानी का यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो हमें मीडियम आंच पे इसे हल्का सा नरम होने तक पकाना है। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो हमने 1/2 टीस्पून नमक डाला है, 1/2 टीस्पून हम इसमें काला नमक डाल देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से। ये मिर्चे थोड़ी नरम नहीं हो जाती हैं और आंबी जो हमने डाली है नरम नहीं हो जाती है। जब तक हमें इसे मीडियम आंच पे ही भूनना है और ध्यान रखें ये जले नहीं नीचे बिल्कुल भी। देखिए हमारी जो चटनी है अच्छे से भुन गई है, ये देखिए। अब इसमें हम 1/2 कप विनेगर डाल देंगे। तो ये हमारा सालन का चम्मच है, तो यही एक भर के विनेगर डाल देंगे। इससे टेस्ट भी अच्छा होगा और जो है मजे में अच्छी होगी और खराब भी नहीं होगी। तो मिक्स कर देते हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें शुगर डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें शुगर डाल देंगे। इससे जो है बैलेंस बना रहता है खट्टा मीठा। बहुत ही बढ़िया सी चटनी तैयार होती है। आप पराठों से खाएं, चावल से खाएं, चपाती से, नान से, जिससे आपकी मर्जी हो, या कहीं आप बाहर जा रहे हो तो आप रख के ले जा सकते हैं। ये खराब नहीं होगी बिल्कुल भी। बस इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिर दिखाते हैं आपको। चटनी हमारी ठंडी हो गई है, थोड़ी हल्की सी गर्म है, तो हम पीस लेते हैं। तो जार में डाल लेते हैं, जार भी धो के और अच्छे से बिल्कुल खुशक कर लें। ये हमने जार में डाल ली है सारी चटनी, वैसे हम हल्का महीन पीस लेते हैं। थोड़ा रुक रुक के चलाएं। हमने सनफ्लावर डालडा ऑयल लिया है, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका और बढ़िया रहता है। आप कच्चा भी यूज कर सकते हैं आराम से। तो पीसने के लिए हमने पानी का यूज नहीं किया बिल्कुल भी, तो हमने तेल का यूज किया है। देखिए हमने 1 चम्मच बड़ा भर के ऑयल डाल दिया। हम इसे फिर से घुमाएंगे। चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है एकदम इसमें, जो हमने सौंफ और हींग वगैरह डाला है उसमें। ये देखिए कितनी गाढ़ी है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा
लिक्विड कर सकते हैं। तो आप गुनगुना पानी करके, पानी उबाल के और गुनगुना करके आप इसमें डाल सकते हैं। कच्चा पानी का यूज नहीं करें बिल्कुल भी। बोतल में निकाल लेते हैं डिब्बे में। ये हमारी चटनी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी, और खाने में भी इतनी ही टेस्टी होगी ये। आप मोमोज बना के उसके साथ भी खा सकते हैं, सैंडविच बना के उसके साथ भी खा सकते हैं, आपकी मर्जी, जिससे भी खाना चाहें। बहुत ही बढ़िया चटनी बनके तैयार हुई है, और ये 1 महीने तक आप फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हैं बेफिक्र होके। अगरचे आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पूरी एंड तक मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।